अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है नुमान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क का यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये टॉपिक है बेसिकली करंट पॉलिटिकल सिनेरियो से रिलेटेड है, करंट इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी जो हमारे मुल्क में आई हुई है उससे रिलेटेड है। मेरे बहुत से क्लाइंट्स, ओवरसीज क्लाइंट्स और बहुत से व्यूअर्स की तरफ से मुझे पैगाम मिल रहे थे कि करंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी में रियल इस्टेट पे इसका क्या इम्पैक्ट आता है और बहरीन और लाहौर की मार्केट स्पेसिफिकली कैसे रिएक्ट कर रही है इस इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी को। सबसे पहले मैं कुछ बुनियादी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद मैं स्पेसिफिकली बहरीन और लाहौर को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो खासा नॉलेज रिक्वायर करते हैं कि जब इनको इन पर डिस्कशन की जाए तो बहुत सारे पहलुओं को मद्देनज़र रखना पड़ता है। मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक के साथ अदल करूँ और आप तक बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करूँ। सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है समझना वो ये है कि मुल्क में जब भी मुआशी हालात ख़राब होते हैं और सिचुएशन इकोनॉमिकल जब इनस्टेबल होती है तो उससे ऑब्वियसली हर जो इंडस्ट्री है वो अफेक्ट होती है। रियल इस्टेट ही नहीं, हर इंडस्ट्री उससे अफेक्ट होती है। महंगाई ज़्यादा हो गई है या डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है, पता नहीं है आने वाले हालात कैसे होंगे, तो इस चीज़ का इफेक्ट हर जो इंडस्ट्री है उस पर आता है। सिर्फ रियल इस्टेट पर इसका इम्पैक्ट नहीं आता, ओवरऑल इसका इम्पैक्ट रियल इस्टेट पर भी आया है और आता है। लेकिन इसके साथ साथ रियल इस्टेट में एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपके साथ अभी फ्यूचर इस वीडियो में आगे जाके शेयर करूँगा, तो आपको आइडिया होगा कि रियल इस्टेट का एक पहलू, एक सेक्टर जो है वो कभी बंद नहीं होता और वो एंड यूज़र का पहलू है। जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल से चीज़ें समझा देता हूँ कि जिन लोगों ने घर खरीदने का प्लान कर लिया है या जिन लोगों ने घर बेचने का प्लान कर लिया है, तो जितनी मर्जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, घर बेचने वाले और घर खरीदने वाले मार्केट में दोनों मौजूद होते हैं। इसी तरह जिन लोगों ने प्लॉट खरीदने का प्लान कर लिया या प्लॉट बेचने का प्लान कर लिया, अगर उनको नीड है ये उनकी, तो जो किसी शख्स की नीड है वो अपनी नीड पूरी करने के लिए मार्केट में मौजूद होते हैं। लेकिन एक ओवरऑल एक मार्केट में सिनेरियो बना होता है कि जी अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है तो मार्केट डाउन है, और उस मार्केट डाउन होने की वजह से बहुत से लोग जो हैं वो तवज्जो नहीं दे पाते इस चीज़ के ऊपर कि जो एंड यूज़र है जिसकी नीड है घर खरीदना, घर बेचना, प्लॉट खरीदना, प्लॉट बेचना, वो मार्केट में फिर भी मौजूद हैं और उनको आप अगर अपनी सर्विसेज बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रोवाइड करें तो वो इन हालात में भी चीज़ें बाय करने और सेल करने को तैयार होते हैं। लिहाजा बहरीन और लाहौर की मार्केट को अगर हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर लें तो बहरीन और लाहौर की मार्केट इस इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी में ऑब्वियसली थोड़ा हिली है, लेकिन इसके साथ साथ जिन फैक्टर्स की वजह से बहरीन और लाहौर की मार्केट में रेट्स में इजाफा हो रहा था वो फैक्टर अपनी जगह मौजूद हैं, और उन फैक्टर्स की वजह से बहरीन और लाहौर की मार्केट में रेट्स में कमी किसी तरह की भी देखने को नहीं हमें नज़र आ रही। वो फैक्टर्स क्या हैं? उनमें सबसे पहला फैक्टर शाहकाम चौक फ्लाईओवर की कंप्लीशन है। जैसे ही ऐसे ये कंप्लीशन के नज़दीक आता जा रहा है तो बहरीन लाहौर की मार्केट हर लम्हा तेज़ होती जा रही है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से बहरीन लाहौर की मार्केट में तेज़ी थी, बहरीन लाहौर की मार्केट के रेट्स बेहतर हो रहे थे, वो सेक्टर ई और एफ़ का एलडी अप्रूवल है। सेक्टर डी का एलडी अप्रूवल भी हाल ही में कुछ मंथ्स पहले हुआ और उसके बाद सेक्टर ई और एफ़ को एलडी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया गया, तो ये भी लोगों के रुझान की एक वजह थी कि लोग बहुत तेज़ी के साथ सेक्टर ई और एफ़ में बाइंग कर रहे थे कि इससे पहले कि वो अप्रूव हो जाए और उस पर गवर्नमेंट टैक्सेस का इंप्लीमेंट हो जाए, लोग वहाँ पे अपनी प्लॉट्स जो है वो बाइंग कर रहे थे। और अब जब वो सेक्टर ई और एफ़ एलडी अप्रूव हो गया तो बहुत से लोगों को वहाँ पे रेट्स बढ़ने से भी फ़ायदा हुआ है, और सिर्फ गवर्नमेंट टैक्सेस की बात नहीं होती, रेट्स में भी इजाफा हो जाता है, प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक एलडीए अप्रूव होने का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा इंपैक्ट रखता है मार्केट पे, और वो इंपैक्ट अपनी जगह मौजूद है। यही वजह है कि बहरीन और लाहौर की मार्केट स्पेसिफिकली इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद उस तरह से इफेक्ट नहीं हुई है जिस तरह से ओवरऑल रियल इस्टेट या अदर इंडस्ट्रीज जो हैं वो अफेक्ट हुई होंगी। बहरीन और लाहौर में शाहकाम चौक फ्लाईओवर की कंप्लीशन को ले लें, एलडी अप्रूवल के मामलात को ले लें, इन दोनों चीज़ों की और बहुत से डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो बहरीन लाहौर की मार्केट को मज़ीद तेज़ी की तरफ लेके जाते जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में मज़ीद रेट्स में बेहतरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। लिहाजा अभी भी जो लोग बहरीन लाहौर में बाइंग कर लेंगे वो आने वाले वक्त में यहाँ पे रेट्स में बेहतरी देखेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ जब बहरीन लाहौर की मार्केट बेहतर होती है तो बहरिया ऑर्चर्ड पे उसका डायरेक्टली इंपैक्ट आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जिन लोगों की रेंज बहरीन लाहौर से आउट हो जाती है, जो लोग बहरीन लाहौर के जो प्लॉट्स की रेट बढ़ चुकी हैं यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाते, तो फिर वो इसी स्टैंडर्ड को इन्जॉय करने के लिए बहरिया ऑर्चर्ड का रुख करते हैं और वहाँ पर कम प्राइसेज में प्लॉट्स बुकिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर देखते ही देखते जैसे जैसे बहरीन लाहौर की प्राइसेज इंक्रीज़ होती हैं
वैसे ही बहरिया ऑर्शेड लाहौर की प्राइसेस भी इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा जो करंटली इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से बहरिया लाहौर की मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हुई मैं नज़र नहीं आ रही, बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त भी जो लोग यहाँ पर बाइंग कर लेंगे वो आने वाले वक्त में यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रिटर्न हासिल कर सकते हैं। उसकी वजह मैंने आपको बताया, शाहकाम चौक फ्लाई ओवर, LD अप्रूवल और डिफरेंट अदर फैक्टर्स भी मौजूद हैं मार्केट में, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी भी बेहतर हो जाएगी और इसके साथ साथ बहरिया के फैक्टर्स अपनी जगह मौजूद हैं। किसी वक्त अगर कोई रिंग रोड की भी न्यूज़ आ जाती है कि वो बहरिया लाहौर के बाहर से जा रही है तो उसकी वजह से भी मार्केट बहुत बेहतर हो जाएगी। लिहाजा स्टिल जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो लोग अपने घर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहरिया टाउन एक सेफ हेवन है और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन की है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक तमाम अच्छी अपडेट्स पर पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।